नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्त केके में। एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि प्रति चक्रवात की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, तो बच्चों को पसीना छूट जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस प्रश्न को लेकर के। आज ऐसा रामबाण तरीका लाया हूं जिसे देखने के बाद आजीवन नहीं भूलेंगे, गारंटी है। अगर इस वीडियो को देख लिया आपने पूरा तो आजीवन नहीं भूलेंगे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मुस्कुराएंगे, कहेंगे मजा आ गया। देखिए कैसे, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्थ मतलब उत्तर, ये तो जानकारी होगा ही। साउथ मतलब दक्षिण, ये तो जानकारी होगा ही। अब जो नॉर्थ साउथ में भी कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, तो साउथ मतलब दक्षिण, आप इतना जानते होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं, यहां तक भी आप जानते होंगे। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जानते हैं, काम हो गया आपका, इतना जानते हैं आपका काम हो गया। कैसे, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चक्रवात का विपरीत यानी चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात होता है। आप दोनों में से कोई एक याद कर लेंगे तो दूसरा उसके उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि भैया चक्रवात की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, कैन। कैन याद रखना है कि मैं कर लूंगा, कैन, सी ए एन, सी ए एन, सी ए एन, इतना तो याद रखेंगे ना, सी ए एन। कैसे, देखिए सी फोर, सी फोर साइक्लोन, साइक्लोन मतलब चक्रवात। ए से एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, देखिए क्लॉक मतलब घड़ी और एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत, है ना, यानी ए फॉर एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा। एन से, एन से नॉर्थ, ठीक, एन से नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर। तो चक्रवात जो है यह उत्तर में एंटी क्लॉक है, चक्रवात उत्तर में एंटी क्लॉक है, यानी चक्रवात जो है वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत है, बस हो गया काम। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक वाइज है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, चक्रवात के उल्टा है प्रति चक्रवात। तो अगर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक वाइज है, तो अगर प्रति चक्रवात रहेगा वह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक वाइज रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। दो चीज और ध्यान दीजिएगा, चक्रवात के उल्टा होता है प्रति चक्रवात और प्रति चक्रवात के उल्टा चक्रवात, ये तो क्लियर है। चक्रवात की जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के विपरीत चले तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के दिशा में चलेगी, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां से क्लियर हो गया, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत, तो चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में हो जाएगा, समझ गए। अब अगर चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत है तो प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है कि नहीं, आपका दोनों याद हो जाएगा, चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात के लिए आप इसको साइक्लोन मानिएगा और प्रति चक्रवात के लिए इसको एंटी साइक्लोन मानिएगा, ठीक ना। तो अगर चक्रवात पर मान रहे हैं तो सी फोर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, और अगर इसको मान रहे एंटी साइक्लोन तो एंटी साइक्लोन नॉर्थ क्लॉकवाइज, यानी प्रति चक्रवात उत्तर में घड़ी के दिशा में। मैं उम्मीद करता हूं कैन से आपने समझा होगा, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। अब अगर एग्जाम में आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जाए कि भैया प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपको लिखना है सी ए एन। प्रति चक्रवात पूछे तो बोलिएगा एंटी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है तो बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध में अगर घड़ी के दिशा में है तो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, तब भी आप लिखिएगा सी ए एन, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, तो पढ़िएगा चक्रवात पूछ रहा है तो बोलिएगा साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, यानी चक्रवात जो है वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत। फिर अगर पूछे प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, तब भी बोलिएगा सी ए एन प्रति चक्रवात, और प्रति चक्रवात का बोलिएगा एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज नॉर्थ, यानी प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में। मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपका एक नंबर हम बचाने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में सारे ट्रिक की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए धमाकेदार तरीके से। जय हिंद।